नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टॉप इंडिया और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। हजारीबाग के टाटी झरिया के मुरुमातू में एक महिला ने अपने पड़ोस में रहने वाले अविवाहित प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की, साथ ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस मामले में टाटी झरिया पुलिस ने बताया कि आरोपी प्रेमी और महिला को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार रात करीब 10 बजे आपसी झगड़े में पत्नी अंजू देवी उम्र 30 वर्ष ने अपने प्रेमी बालवीर तुरी उम्र 26 वर्ष को अपने घर पर बुलाकर उसके साथ मिलकर अपने पति भीम तुरी उम्र 32 वर्ष को सिलवट से माथे पर वार कर हमला कर दिया। इस घटना में माथे पर चोट अधिक रहने के कारण मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हम जब छोटे थे ना, हजारों कछुए आते थे इस बीच पर। क्या कर रहे हो बच्चे? जगह बना रही हूँ, मुझे भी तो देखना कछुए। कल को बदलने के लिए खुद को बदलना पड़ेगा। सर्फ एक्सल मैटिक लिक्विड भी बदल रहा है 100% इको फ्रेंडली एक्टिव के साथ, ये मुश्किल दाग निकाले और पर्यावरण का भी रखे ख्याल। इस घटना के बाद दोनों वहां से फरार हो गए। टाटी झरिया के मुरुमातू में महिला ने अपने अविवाहित प्रेमी के प्रेम में अंधी हो चुके एक विवाहिता ने अपने पति को रास्ते से हटा दिया। इस घटना की सूचना ने सबको हतप्रभ कर दिया। इधर दारू थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार को इस घटना की सूचना ग्रामीणों और चौकीदार ने दी। घटना की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। वहीं गिरफ्तार करने के बाद देर शाम तक मामला दर्ज की प्रक्रिया पूरी की जा रही थी। मृतक की पत्नी अंजू का प्रेम पड़ोस में रहने वाले अविवाहित युवक बालवीर के साथ कई वर्षों से चल रहा था। इन दोनों की लव स्टोरी में पति विलन बन गया था। भीम 15 दिन पहले ही 4 साल के बाद ओमान से लौटा था। इस दौरान महिला शादीशुदा होने की वजह से बंधन में बंधी हुई थी, जिससे वे तंग आ चुकी थी। प्रेमी से छुप-छुप कर प्यार काफी मुश्किल हो गया था। इसी को देखते हुए महिला ने अपने प्रेमी के साथ ये खौफनाक कदम उठाया और जिसने उसे ब्याह कर घर लाया था उसे ही साथ मिलकर सिलवट से माथे पर वार कर मौत के घाट उतार दिया। महिला का एक 12 वर्ष का बेटा सन्नी तुरी है। महिला का कहना था कि पति शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था। टाटी झरिया पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल इसकी जाँच जारी है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए न्यूज़ स्टॉप इंडिया के साथ। नमस्कार।